नमस्कार, सोशलाइट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके लिए तोरण बनाना बता रही हूँ। ये देखें, इस तरह का तोरण हमने बनाया है। तो इस तरह का डिज़ाइन है तोरण का। तो पहले हम इसके पट्टी बना लेते हैं। हमने दो कलर का इसमें ऊन यूज किया है। ये देखें, इस तरह से रेड कलर है, मैंगो कलर है। तो चले शुरुआत। 17 चैन हम कर लेंगे। हमने यहाँ पर कर लिया है। अब इसे हम क्रोशे कर लेंगे, डबल क्रोशे। 3 छोड़ेंगे हम यहाँ पर, इसमें 15 डबल क्रोशे कर लेंगे। ये देखें, 15 हमने यहाँ पर डबल क्रोशे बनाए हैं। एक लाइन हमने इस तरह से बनाई है, दूसरे लाइन में हम ये देखें साइड में हमने 3 जो चैन किया है, हम एक क्रोशे उससे ऐड करेंगे इसमें। और ये 3, ये देखें 3 डबल क्रोशे हमने यहाँ बनाए हैं। यहाँ पर 3 चैन लेंगे हम। 3 हमने यहाँ पर चैन ली है। 3 क्रोशे हमें छोड़ेंगे, 1, 2, 3 चौथे पर हमें लेनी है। ये देखें इस तरह से यहाँ पर 3 में 3 डबल क्रोशे बनानी है। ये देखें 3 क्रोशे में 3 हमने डबल क्रोशे बनाई है। फिर यहाँ पर 3 चैन लेंगे। किनारे हमें 3 बनानी है। इस तरह से ये देखें, किनारे बना ले। यहाँ पर हम चैन हमें यहाँ पर नहीं लेनी है। देखें 3 चैन जो हमने बॉक्स बनाई है उसमें हम 2 क्रोशे बनाएंगे। 1 हमने यहाँ पर चैन लिया है, फिर उसी में हमें 2 और बनानी है क्रोशे। 4 क्रोशे हमने बनानी है, बीच में 1 चैन हमने लिया है यहाँ पर। ये देखें इस तरह से 4 डबल क्रोशे बनाए, बीच में हमने चैन लिया है। फिर यहाँ पर हमें चैन नहीं लेना है, दूसरे बॉक्स में बनानी है। यहाँ भी हमें उसी तरह से बनानी है, 2 डबल क्रोशे, 1 चैन, फिर उसी में 2 और डबल क्रोशे। इस तरह से फिर यहाँ पर 3 बॉर्डर बना ले। दूसरी तरफ हमें सेम लाइन लेके जानी है। ये देखें 3 के ऊपर 3 बॉर्डर किनारे। फिर हमने जो चैन ली है, 1 चैन 4 के बीच में, वहाँ से हमें बनानी है। वहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशे, 1 चैन 2 डबल क्रोशे, उसी में 4 डबल क्रोशे और 1 चैन हमें बीच में लेनी है यहाँ पर। ये देखें, फिर दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से बना लेंगे। 1 चैन, 3 के ऊपर 3। ये देखें यहाँ पर हमने 2 छोड़े हैं, 3 बॉर्डर बना ले।
इस तरह से। फिर ये वाली लाइन हमें यहाँ पर रिपीट करनी है। तीन चैन, ये देखें, ये जो है दोनों मिला हुआ, तो यहाँ पर हमें लेनी है क्रोशे एक, फिर हम इधर से लेंगे एक, फिर चैन से लेंगे, ये देखें यहाँ पर तीन हमने बनाई हैं, देख सकते हैं इस तरह से। दोनों क्रोशे पर हमने एक एक ली है और बीच में हमने एक लिया है, फिर यहाँ पर तीन चैन और तीन बॉर्डर बना लें। ये देखें इस तरह से, तो इस तरह से आप पट्टी का डिज़ाइन बना लें जिस तरह से हमने बनाई। ये वाली लाइन रिपीट की है, फिर यहाँ पर इसके ऊपर ये वाली और ये दो लाइन रिपीट होगी। फिर इसी तरह से आप बनाते जाएं पट्टी, जितना आपका दरवाज़ा चौड़ा है उस हिसाब से आप पट्टी बना लें। ये देखें हमने इस तरह से पट्टी बना ली है, तोरण पट्टी देख सकते हैं। इसका बॉर्डर हम रेड कलर से बना लेते हैं। बॉर्डर के लिए हमने रेड कलर का ऊन लिया है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, तीनों तरफ हमें बना लेनी है और एक साइड का हिस्सा हमें छोड़ देना है, क्योंकि तोरण जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसे हमें ज्वाइन करनी है, तो एक तरफ का हिस्सा छोड़ देंगे। ये तीनों तरफ हम इसके बॉर्डर बना लेंगे। डबल हाफ क्रोशे, आप में से हमने हमें व्यूवर्स ने हमारे पूछे हैं कि हाफ क्रोशे किसको बोलते हैं, तो ये देखें मैं इस तरह से बता रही हूँ। देखें हमने दो बनाए यहाँ पर, यहाँ पर चैन लिया। इस तरह से हम डबल क्रोशे के जो फंदे हैं वो लेते हैं, इस तरह से हम ले लेंगे और यहाँ पर इस तरह से लेंगे, तो यहाँ पर हम दो निकालते हैं दो बार में करके, तो यहाँ पर दो बार में नहीं निकालनी है हमें। ये देखें एक बार में हमें इस तरह से निकालनी है, इसे हाफ डबल क्रोशे बोलते हैं। ये देखें इस तरह से हमें निकालनी है, तो इस तरह से हम ये निकालेंगे। यहाँ कॉर्नर में हमने चार बनाई हैं, एक चैन लेंगे, तीन यहाँ पर छोड़ेंगे हम, और उसी तरह से दो हमें लेनी है डबल हाफ क्रोशे। ये देखें इस तरह से, यहाँ पर चैन, एक चैन ले ले, इस तरह से बॉर्डर आप बनाते जाएं। ये देखें एक चैन लेंगे, यहाँ पर एक बचते हैं हमारे, तो यहाँ पर ले लें आप। ये देखें दो, यहाँ पर हम दो ले लेंगे कॉर्नर में, फिर यहाँ पर एक चैन लेके दूसरे बॉक्स में हम लेंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह से ले लें आप। एक एक चैन हम बीच में लेते जाएंगे, एक एक बॉक्स में दो दो हमें बनानी है, हर एक बॉक्स में लेंगे हम यहाँ पर। ये देखें इस तरह से, एक चैन, दो हाफ डबल क्रोशे, ये देखें। तो इस तरह से आप तीनों तरफ बॉर्डर बना लें, ये हिस्सा हम छोड़ देंगे। यहाँ पर हमें तोरण की डिज़ाइन जोड़नी है। ये देखें इस तरह से हमने ये पट्टी बना ली है। ये देखें ये साइड और ये एक साइड और ये तीसरी साइड, तीन साइड हमने इसे बना लिया, एक साइड हमने छोड़ दिया है।
अभी हम नीचे का डिज़ाइन बनाएंगे इसका तोरण का। ये देखें, इस तरह से हमने मैंगो कलर का ऊन लिया है। दस चैन बना लेंगे यहाँ पर। दस चैन हमने यहाँ पर बनाया है। ट्रिपल क्रोशे ले लेंगे इस तरह से, देखें। और यहाँ पर हमने एक छोड़ के इसे हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखें, इस तरीके से ट्रिपल क्रोशे हमने लिया। यहाँ पर दस चैन लिया और यहाँ पर हमें धागे निकाल लेनी है इस तरह से। ये हमने, आप चाहें तो दिवाली के लिए स्पेशल आप बना सकते हैं ये तोरण, दीप हमने नाम दिया है इसे, दीप के आकार का ये डिज़ाइन है, तो इस तरह से हमने इसे बनाया है। ये देखें, ये जो है हमने चैन जो लिया है, ट्रिपल क्रोशी लिया है, तो ट्रिपल क्रोशी जहाँ हमने लिया है यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। देखें इस तरह से, इसमें हम 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। चार, नौ हमने यहाँ पर डबल क्रोशे बनाई हैं। देखें, एक तरफ 9, और ये देखें चैन जो हमने लिया था 9, यहाँ भी हमें 9 डबल क्रोशे बनानी है। 2, 3, 4, नौ हमने यहाँ भी इस तरह से बनाई हैं, तो दोनों मिलके 18 हुआ। 18 डबल क्रोशे हमने इसमें बनाई हैं। आइए, धागे हम इस तरह से यहीं पर निकाल देंगे इस तरह से। यहाँ पर फिर हमें पीले कलर वाले धागे लेने हैं, इस तरह से जोड़ लें, ये देखें। और यहाँ पर हम इसे हम उल्टा करेंगे, उल्टे करके हम इसे पीले कलर का जो है हम बनाएंगे। ये देखें, एक हमने 9 इसीलिए लिया था कि यहाँ पर एक में हमें इस तरह से बनानी है, एक क्रोशे में। ये देखें, यहाँ पर 9 चैन करेंगे एक क्रोशा सिंगल क्रोशे करके। 3, 4, 5, 9 क्रोशे हमने यहाँ पर किया है। फिर ट्रिपल क्रोशे करेंगे और उसी में हम एक और इस तरह से क्रोशे बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशे। ये देखें, इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक एक बढ़ाया है। फिर यहाँ पर 4 चैन करेंगे, 4 चैन। फिर जो हमने ये बीच में छोड़ा है, यहाँ पर हम, ये देखें, इस तरह से 1 इंच करीब हम लंबा ले लेंगे खींच के। ये देखें, यहाँ पर 8 फेरा हम कर लेंगे। आठ फेरा हमने यहाँ पर किया है और इसे इस तरह से बांध दें। फिर यहाँ पर 4 चैन करें। फिर उसी तरह से हमने यहाँ पर ये धागे जो हैं यहाँ पर हम ले लेंगे और इस तरह से ट्रिपल क्रोशे हमें यहाँ बनानी है। इसी में 1, 2, 3 बार में हम इस तरह से निकालेंगे इसे। फिर यहाँ पर बीच में हम 4 चैन लेंगे, 4 चैन हमने यहाँ लिया। फिर यहाँ पर ट्रिपल क्रोशे, ये देखें, धागे यहाँ निकाल दें।
इस तरह से देखें, इस तरह से हमने बनाई है, देख सकते हैं ये दीप की तरह दिखता है, इसलिए हमने इसे दीप तोरण का नाम दिया है, देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमें ये धागे हमने जहाँ तोड़े हैं यहीं पर छोड़ देंगे, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे रेड कलर का बनाना। ये देखें चार हमने यहाँ पर हमने चार चैन छोड़ के यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे डबल क्रोशे। दो चैन हमने यहाँ पर लिया है और यहाँ पर हम ये किनारे हैं इसलिए इसमें हमने 9 डबल क्रोशे बनाए हैं। नौ हमने यहाँ पर डबल क्रोशे बनाए हैं, देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 9। फिर हम इस तरह से ये जो दूसरा हमने ट्रिपल क्रोशे लिया है इस तरह से करके हम यहाँ पर 8 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ 8 डबल क्रोशे हमें यहाँ पर बनानी है, बीच में हमें 8-8 ही बनानी है, किनारे हमें 9 लेना है बस। आठ से देखें 8 क्रोशे हमने बनाई हैं और यहाँ पर हम ये देखें 4 चैन हमने लिया, 3, 4 चैन हमने लिया। फिर इसी तरह से हमें इस तरह से यहाँ पर लेना है दूसरे पार्ट में। ये देखें मैं आपको बता रही हूँ, ये देखें इस तरह से, ये इस तरह से बना है और यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। दूसरे हमने 4 चैन लिया है यहाँ पर बना के, तो ये देखें यहाँ से हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर भी हमें 8 डबल क्रोशे बनानी है, डबल क्रोशे हमने यहाँ पर बनाई है, देखें। फिर इसमें जो है हम 9 बनाएंगे क्योंकि ये किनारे पे है, हमें यहाँ पर बढ़ानी है, तो यहाँ पर हम 9 बनाएंगे, 9 क्रोशे, डबल 9 क्रोशे, डबल क्रोशे। ये देखें 3, 4 9 हमने यहाँ पर 9 क्रोशे लिया। यहाँ पर आप बीच में हम 8-8 लेंगे, एक किनारे की तरफ हम 9-9 लेंगे और यहाँ पर हमने 9 लिया, 18 लिया है। यहाँ पर नीचे के एक ही है, तो यहाँ पर धागा इस तरह से निकाल लें। ये देखें इस तरह से डिजाइनें बनेगी। फिर यहाँ से हम पीले वाली लाइन शुरुआत करेंगे, ये देखें यहाँ पर हम ने इसीलिए 9 लिया है क्योंकि हमें इस तरह से एक में बनानी है, देख सकते हैं 9 चैन हमने लिया। यहाँ पर ट्रिपल क्रोशे लेंगे और फिर इसे हम यहाँ पर क्रोशे बनाएंगे, ये देखें इस तरह से। तो इस तरह से एक एक बढ़ते जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमने 4 चैन लिया है। ये देखें दोनों के बीच में जो चैन है, चैन में से हमने इस तरह से लिया है 8 फेरा बबल स्टिच। ये देखें दोनों में हमने इस तरह से बना लिया है, देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर एक आए हैं, यहाँ पर 2 आए हैं, तो इस तरह से आप बना लें।
चार चैन ट्रिपल क्रोशे, यहाँ पर हमने धागे निकाल दिए हैं। ये देखें इस तरह से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये डिजाइन बना लें। यहाँ पर आपने धागे निकाले हैं तो यहीं से शुरुआत करें, रेड कलर में बनाना यहीं से शुरुआत करेगा। इस तरह से हमने देखें ये बनाई है, एक दो तीन चार, और यहाँ पर लास्ट हमने देखें एक दो तीन चार पाँच छः का बनाई है। तो इतना बड़ा आप बना लें, इसे तीन भाग आप इसे बना लें, तीन भाग में हमने यहाँ पर तीन भाग में बनाई है। अब मैं आपको इसी तरह से तीन अलग अलग पार्ट में हमने यहाँ पर जोड़ेंगे अब इसे हम। ये देखें यहाँ पर हमने ये छः आने तक बढ़ा के बनाया है, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये जो फ्लावर है इसका जो दीप है दो चार छः आए हैं। तो इस तरह से आप बना लें। और जोड़ने के लिए हमने देखें यहाँ पर पट्टे में हमने तीन तरफ से बॉर्डर बनाया है और एक तरफ से हमने छोड़ दिया था, तो यहाँ से हम जोड़ेंगे। एक चैन ले लें, यहाँ पर हम दो बनाएंगे, एक चैन देखें, और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। एक बॉक्स हम इस तरह से बना लेंगे, ये देखें एक बॉक्स हमने ये बना ली है। अभी एक चैन हमने लिया है और इसे हम यहाँ जोड़ेंगे, देखें सीधा रखा हमने ये, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे, देख सकते हैं। फिर दूसरे बॉक्स में हम इसका डबल हाफ क्रोशे बॉर्डर बना लेंगे, ये देखें यहाँ पर एक चैन लेके, और इसका जो दूसरा हिस्सा है ये देखें ये हम सिंगल क्रोशे से जोड़ लेंगे इस तरह। फिर दूसरे बॉक्स में डबल क्रोशे बना लेंगे, देख सकते हैं। फिर एक चैन हमने लिया है और इसका ये वाला हिस्सा सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। फिर दूसरे बॉक्स में इस तरह से हम बॉर्डर बना लेंगे, देख सकते हैं। यहाँ पर एक चैन लिया, फिर इसका एक हिस्सा इस तरह से जोड़ दिया, फिर यहाँ पर हमने इसका बॉर्डर बना लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने जोड़ा है, देख सकते हैं। यहाँ पर हर एक इसमें हम चैन में लेंगे, ये देखें हर एक चैन में हमें लेना है, और हर एक बॉक्स में हम बनाएंगे बॉर्डर बनाते जाएंगे। तो इस तरह से आप जोड़ लें। चैन लेके हमें इस तरह से जोड़नी है सिंगल क्रोशे से, फिर दूसरे बॉक्स में बॉर्डर बना लेनी है। एक चैन लेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे दूसरे बॉक्स में, इस तरह से बना लेंगे। एक चैन, फिर बॉक्स में चैन में इस तरह से जोड़ लेंगे, देख सकते हैं आप हमने इस तरह से जोड़ी है। ये देखें इस तरह से पूरे पार्ट आप जोड़ लें, ये पूरा लाइन। ये देखें ये लास्ट जो बची है हमारे, इसे हम
जोड़ देंगे इसे, और यहाँ पर बॉक्स में सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे हम बना लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए एक पार्ट हमने इस तरह से जोड़ दिया है, देख सकते हैं हर एक चैन में हमने लिया है। अब यहाँ से हम दूसरा पार्ट जोड़ेंगे। आपका पट्टा बड़ा है तो चार पार्ट पार्ट भी आप बना सकते हैं, चार पार्ट ये बनेगा। अब यहाँ पर हम एक चैन लेंगे इस तरह से, फिर दूसरे बॉक्स में हम इसे जोड़ेंगे, और यहाँ से हम दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखें सिंगल क्रोशे से फिर दूसरे बॉक्स में इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से आप जोड़ते जाएं सारे पार्ट, आप इस तरह से जोड़ लें। ये देखें हमने इस तरह से जोड़ी है, चार पार्ट जोड़ लेंगे। आप ये अगर नज़दीक चाहें तो आप यहाँ से जोड़ना शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ से भी आप जोड़ सकते हैं इस पार्ट से। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो हमने ये बनाई है तो यहाँ से भी आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। ये देखें इस तरह से हमने ये लिया है, तो इस तरह से आप बना लें चारों पार्ट या तीन पार्ट जितना भी आपके पट्टे में आते हैं, आप इस तरह से इसे जोड़ लें। यहाँ पर आप चाहे तो एक लरी झालर भी बना सकते हैं। इसके लिए देखें हमने यहाँ पर 30 फेरा चार उंगलियों पर लपेट लिया है। इसे हम दूसरे कलर के धागे से, जैसे मैंगो कलर के धागे से हम इसे बांध लेंगे। इस तरह से ये देखें, यहां पर हमने दो चैन कर लेंगे यहाँ। ये देखें एक इंच लंबा ले लें, छह या सात फेरा आप इस तरह से कर ले, इसे बांध दे दो चैन, फिर इसी तरह से आप लंबा इस तरह से आप बना लें यहाँ पर झालर। चाहे तो आप चारों तरफ भी बना सकते हैं या फिर बीच में ही बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बना लें और भी। ये देखें हमने तीन का इस तरह से बनाया है, और यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे, उल्टे तरफ जोड़ दें। ये देखें
इस तरह से। ये देखें इस तरह से, तो इस तरह से आप बना लें, देख सकते हैं झालर हमारी डिजाइन। तो हमारे वीडियो और डिजाइन आपको कैसे लगे, हमारी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।